शर्मा जी बताएं फिर आज आपके जबरदस्त कमाई वाला शेयर कौन सा है 10 की कमाई में। देखिए आज मैंने एक इंफ्रा सेक्टर से एक कंपनी चुनी है जो कि क्वालिटी कंपनी है। ये कंपनी है MEP इंफ्रा। MEP इंफ्रा रोड और टोल प्रोजेक्ट्स के अंदर एक पायनियर कंपनी है, महेश करकुट की कंपनी है। और कंपनी की क्वालिटी आप हमेशा इससे जज कर सकते हो कि इसके अंदर इन्वेस्टर कौन है। तो इसके अंदर बहुत ही क्वालिटी इन्वेस्टर्स हैं। प्रमोटर के पास तो 65% स्टेक है ही, इसके अलावा 9% स्टेक इसके अंदर FIIs का है, जिसके अंदर GMO के दो फंड्स के पास 3.85% की होल्डिंग है, प्लस 1% से ज्यादा बहुत सारे FIIs फंड के पास होल्डिंग है, जैसे पोलस ग्लोबल है, एलआरआ है, एलएम है। इसके अलावा डोमेस्टिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारा सबसे बेस्ट जो फंड है HDFC म्यूचुअल फंड है, उसके पास इस शेयर की 7.42% होल्डिंग है। तो ये जो इन्वेस्टर्स प्रोफाइल है वो इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि कंपनी की क्वालिटी कैसी है और उसका फ्यूचर पोटेंशियल और आउटलुक कैसा है। ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड रोड इंफ्रा कंपनी है जो कि सब तरह के प्रोजेक्ट्स लेती है, टोल प्रोजेक्ट्स भी लेती है, OMT प्रोजेक्ट्स भी लेती है, लेकिन यानी कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो टोल प्लाजाज है उनके, साथ ही साथ जो नया मॉडल है हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल उसके अंदर भी है। और चूंकि हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल आजकल काफी पॉपुलर होता है क्योंकि वहां पर जो ऑपरेटर है उनकी रिस्क बहुत कम होती है, उनकी कैपिटल भी कम लगती है, रेगुलेटरी सारी रिस्क जो है वो गवर्नमेंट बियर करती है और इसके लिए वहां पर उनको सेफ्टी लगती है। तो नए जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके वो बहुत सारे हैम प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 10 हैम प्रोजेक्ट्स इन्होंने इस कंपनी ने रिसेंटली लिए हुए हैं। साथ ही साथ ये बहुत सारे टोल के प्रोजेक्ट्स जो है OMT प्रोजेक्ट्स है वो हैंडल करती है, वहाँ ऑपरेशन और मेंटेनेंस की सर्विसेज देती है। और आपको मैं बताऊं एग्जांपल के लिए कि बॉम्बे का जो वर्ली सी लिंक है वहाँ का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ये कंपनी कर रही है कई सालों से। और बॉम्बे के बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हैं उनके जो टोल के कलेक्शंस का काम है वो ये कंपनी करती है। इसी तरह दिल्ली के टोल के कलेक्शंस का काम है वो भी बहुत सारे प्लाजाज में ये कंपनी करती है। और इस तरह इस कंपनी के पास एट प्रेजेंट ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है। और एक फायदा क्या है हेम प्रोजेक्ट में कि हेम प्रोजेक्ट में बाकी रिस्क तो आपकी कम हो जाती है और कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होती है, लेकिन EPC काम ये लोग ही लेते हैं जिससे इनका EPC का काम जो है बहुत बढ़ जाता है। और इसके कारण EPC काम आने वाले साल में बहुत बड़ा होने वाला है। कंपनी की मार्च 18 की अर्निंग 4.40 रुपए थी, कंसोलिडेटेड अर्निंग की बात कर रहे हैं क्योंकि हमेशा इस तरह के कंपनियों में तो कंसोलिडेटेड अर्निंग की आपको बात करनी चलेगी। और अभी जो उसकी ऑर्डर बुक है और वहां पर जो EPC का काम है प्लस जो टोल के रेवेन्यू जाते हैं उन सबको कंबाइन करके देखा जाए तो FY20 में इस कंपनी की अर्निंग जो है वो करीब करीब 6.5 रुपए आ सकती है। और इसके इनके पास जो टोल एसेट्स है, क्वालिटी टोल एसेट्स है, उन सब की अगर फ्यूचर में कभी भी वैल्यू अनलॉकिंग करें ग्रेजुअली भी, तब भी मैं समझता हूँ कि काफी बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग इस कंपनी में हो सकता है। और 12 महीने में इस कंपनी का मेरा टारगेट जो है करीब करीब 90 रुपए का है, 12 नहीं तो 18 महीने में तो वो जरूर आ जाना चाहिए। ओके, 1 से 1.5 साल तक का टारगेट 90 रुपए का, MEP इंफ्रा दुगुना हो सकता है यहाँ से, बेहतरीन ऑर्डर बुक, अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे कर सकते हैं आप निवेश। ये है DD शर्मा साहब की राय।